नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। बीजेपी के पूर्व विधायक टी राजा सिंह एक ऐसा नाम जो इन दिनों सुर्खियों में है। वजह यह है कि टी राजा सिंह ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हालांकि इस मामले को लेकर के टी राजा सिंह को गिरफ्तार भी किया गया और उन्हें जमानत भी मिल गई, लेकिन अभी तक टी राजा सिंह के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और विशेष समुदाय के लोग सरतन से जुदा का नारा लगा रहे हैं और एक बार फिर से टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग को लेकर के प्रदर्शन के साथ उनके घर को जलाने की बात कही जा रही है। ऐसे में आप किसी पर आरोप लगाएं, किसी को दोषी ठहराएं, किसी को गलत माने, उससे पहले आपको इस पूरे केस को समझना होगा बारीकी से इस बात को कि आखिर टी राजा सिंह ने वो कौन सी बात कही है जिसे लेकर के इतना बड़ा हंगामा है, और ये भी समझना होगा कि आखिर टी राजा सिंह ने ऐसा क्यों कहा। तो इसके लिए आपको दो तस्वीरें समझनी होंगी। पहली वो जिसके विरोध में टी राजा सिंह ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर अपलोड किया और अब बवाल हो रहा है। दूसरा ये कि आखिर टी राजा सिंह ने अपने वीडियो में बोला क्या है। तो सबसे पहले ये समझना है कि आखिर टी राजा सिंह ने किसके विरोध में और क्यों इस तरह का विवादित वीडियो बनाया। सबसे पहले हम बात करेंगे मुनव्वर फारूकी की। जी हाँ, ये वही नाम है जिसका विरोध करते हुए टी राजा सिंह ने वीडियो बनाया है और सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। दरअसल मुनव्वर फारूकी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन उन पर बड़ा आरोप ये है कि वो अपनी कॉमेडी में ज्यादातर हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने कभी इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सुना होगा, कभी इनके खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं देखा होगा, कभी इतना हंगामा नहीं देखा होगा कि सरतन से जुदा करने की बात कही जा रही हो। क्यों? क्योंकि वो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। इसी बात को लेकर के तेलंगाना में बीजेपी के पूर्व विधायक टी राजा सिंह ने एक मुहिम छेड़ी और उन्होंने प्रशासन से ये कहा कि मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद में शो करने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। अगर प्रशासन इस बात को नहीं मानता है, यानी कि वो मुनव्वर को संरक्षण देता है कि वो उनके शहर में शो करें, तो ऐसे में टी राजा सिंह मुनव्वर फारूकी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी का एक वीडियो 2021 में वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता को लेकर के बहुत ही घटिया और वाहियात टिप्पणी की थी। माता सीता की तुलना उन्होंने चंद रुपयों में नाचने वाली हीरोइनों से की थी और भगवान श्री राम को लेकर के भी आपत्तिजनक बात कही थी। अब चूंकि टी राजा सिंह एक हिंदूवादी छवि के नेता हैं और वो नहीं चाहते थे कि हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी का शो हो, जिसको लेकर के उन्होंने अपना विरोध पहले ही जता दिया था। अब सवाल ये है कि जब एक व्यक्ति सीधे तौर पर भगवान श्री राम का और माता सीता का नाम लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, तो फिर उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं होता है। लेकिन वहीं जब टी राजा सिंह बिना किसी का नाम लिए विवादित टिप्पणी करते हैं, हालांकि उनकी भी टिप्पणी को हम जायज नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन उनकी इस टिप्पणी के बाद इतना बड़ा बखेड़ा जो खड़ा हो रहा है, ठीक ऐसा ही बखेड़ा मुनव्वर फारूकी के शो के बाद भी खड़ा होना चाहिए था। विशेष समुदाय के कुछ लोग एक तरफ तो कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, लेकिन जब उन्हें कुछ अपने खिलाफ लगता है तो फिर वो सर तन से जुदा करने की बात करते हैं, यानी कि उस वक्त कोई भी संविधान उनके लिए मायने नहीं रखता है, वो सिर्फ खून खराबे पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन वहीं जब MF हुसैन की पेंटिंग से बवाल होता है तो वो शांत रहते हैं। जब देश के टुकड़े करने की बात कही जाती है तब वो शांत रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की अश्लील फोटो अमेज़न पर बिकती है तब वो शांत रहते हैं। जब कन्हैया लाल का धड़ सर से अलग कर दिया जाता है तब वो शांत रहते हैं। वो किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं, किसी तरीके की नारेबाजी नहीं करते हैं, और इसका एक जीता जागता उदाहरण मुनव्वर फारूकी हैं कि कितनी आसानी से वो हिंदू देवी देवताओं पर घटिया मजाक करते हैं, घटिया टिप्पणी करते हैं और आसानी से अपना शो खत्म करके चले जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती, कोई भी समुदाय उसके खिलाफ विरोध नहीं करता है, सरतन से जुदा करने की बात नहीं करता है। दोस्तों, सनातन टाइम्स का साफ तौर पर ये मानना है कि धर्म के नाम पर किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना जायज नहीं है।
चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो कॉमेडियन हो, किसी को भी इतना अधिकार नहीं है कि वो किसी भी धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करे, उसका मजाक बनाए। ऐसे में अब आपको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये समझना होगा कि आखिर इसमें गलती किसकी है, उनकी जो अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ता देख भी शांत रहते हैं, या फिर उनकी जो सर तन से जुदा करने की बात करते हैं। इस विषय पर आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।